आयुष्मान भारत में तो बुलंदशहर में अभी 10 चिकित्सालय कुल पैनल में है, 5 प्राइवेट के हैं, 5 सरकारी हैं। तो सर इनमें जो मतलब हर तरह की इलाज हो सकते हैं, कैसे कैसे हॉस्पिटल चिन्हित हैं? जिस भी चिकित्सालय में जिस विधा के विशेषज्ञ हैं वो अपना वो पैकेज उन्होंने खुलवा के उस चीज़ में इलाज कर सकते हैं। और सिंगल स्पेशलिटी वाले जो हॉस्पिटल हैं वो भी एम्पैनल हैं, जैसे वो जैसे आई केयर है, आप आँख के लिए वहाँ जा सकते हैं। ये शांतिदीप है जो कि कार्डियोलॉजी हृदय रोग से संबंधित। तो क्योंकि सर ये फिगर काफ़ी ज़्यादा है जो हमारे यहाँ जो हम देख रहे हैं, जिले में जो पात्र हैं करीब 2.25 लाख से भी ज़्यादा हैं, तो सर इसके लिए और भी हॉस्पिटल चिन्हित किए जा रहे हैं, ऐसा कुछ किया जा रहा है? नहीं, जो प्राइवेट हॉस्पिटल हैं जी वो तो उनकी इच्छा पे है। जी जी, लेकिन जैसे ही योजना का प्रचार प्रसार होगा, पेशेंट बढ़ेंगे, तो मुझे उम्मीद है कि और लोग इस अभियान से जुड़ेंगे और हमारे प्राइवेट चिकित्सालयों का बढ़ेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी योजनाओं में आयुष्मान भारत को गिना जाता है। जिले में 1,82,000 पात्र अब तक चिन्हित किए जा चुके हैं, लेकिन जो बड़ा सवाल है वो ये कि जहां जिला अस्पताल समेत कुल 5 सरकारी अस्पताल इसके लिए चिन्हित किए गए हैं, तो वहीं प्राइवेट अस्पताल इसमें रुचि नहीं दिखा रहे हैं। हालांकि अधिकारी कहते हैं कि वो इस उम्मीद में हैं कि और भी हॉस्पिटल इसमें रुचि दिखाएंगे और वहां इनका इलाज हो पाएगा, लेकिन ये प्रयास इनकी तरफ से बिल्कुल नहीं किए जा रहे। श्रीपाल तेवतिया, ETV, बुलंदशहर।